हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉक सितरान में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। ये आपको सेकंड वीडियो में देखने को मिल रहा है। यहाँ करीबन 10 ट्रैक्टर्स और दिखाने वाला हूँ। संदीप भैया के माध्यम से पूरा ट्रैक्टर्स का डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ यहाँ कितने प्राइस में है 1.5 लाख मैंने बताया। साथ ही अभी मिनी ट्रैक्टर्स दिखाने वाला हूँ। बहुत डिमांड कर रहे थे मिनी ट्रैक्टर्स दिखाइए। और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। मेरा आईडी नंबर है चित्रा 12345। तो चलो संदीप भैया, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अभी क्या क्या स्टॉक रखे इस बार? पूरी गाड़ियों की स्टॉक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये अर्जुन का, इसका कैसे पूरा कंडीशन ओके करके दिया जाएगा? ओके करके दिया जाएगा। अच्छा, ये बॉर्डर अभी थोड़ा काम वाम चल रहा है इसका। ये कौन सी मॉडल में होगी अर्जुन? ये 2013 मॉडल 555 DI अल्ट्रा 1। ये तो अपना हार्वेस्टर में भी यूज होता है, है ना? हार्वेस्टर HP माता हो गई। ये 55 HP। 55 HP। ओनर कौन सा होगा? फर्स्ट ओनर है। और कितना चल गया होगा ये? चला है समथिंग 4500। 4500 चल गया है। इसके टायर्स का साइज बड़ा रहता होगा? हाँ। क्या साइज का आता है ये? 16 नंबर। 16। अच्छा, इसमें अभी होगा, अभी थोड़ा घिस गया टायर्स थोड़ा। ये सेम ऐसी मिलेगा कंडीशंस की टायर्स डिमांड? कस्टमर डिमांड के ऊपर है। टायर चेंज कर मांगे, टायर चेंज कर दिया जाएगा। कहां होगा ये? ये है धंधा वही दुरुक पासिंग 07। क्या रखें इसका रेट? इसका 3 लाख रुपए। 3 लाख में छोड़ देंगे? हाँ जी। अच्छा, इसमें भी हो जाएगा फाइनेंस? उसमें भी हो जाएगा फाइनेंस का। लगभग 50,000 देना है स्टार्टिंग? 50,000 स्टार्टिंग कम से कम देना है। छत्तीसगढ़ वालों के लिए सिर्फ? छत्तीसगढ़ वालों के लिए। अच्छा, इसके बाद देखते हैं ये महिंद्रा डिमांड रहता है महिंद्रा का मिनी ट्रैक्टर्स में। ये है जीवो 245 DI। ये भी इसका आप मॉडल बताएंगे? 2018 मॉडल। अच्छा, इसका टायर्स का साइज क्या आता है? ये 515 पीछे का आता है। हाँ, और 13 सामने का आता है। 13 साइज। अच्छा, कितने HP में होगा ये? 25 HP। 25 HP में। एक ओनर कौन सा? ये फर्स्ट ओनर है। अच्छा, कितना चला? लोडर फिट था इसलिए थोड़ा अच्छा हो गया। कितना चला होगा ये? करीब 700 घंटा के आसपास चला। 700 घंटा। पासिंग कहाँ का होगा ये? धमतरी 05। इसका क्या रेट है? इसका अपन 2,40,000। 2,40,000 न्यू में क्या पड़ता होगा ये? न्यू में पड़ता है समथिंग 5 लाख के आसपास। 5 लाख। इसका थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है यहाँ, और बाकी तो सीट कवर वगैरह जो ओरिजिनल लगे हुए हैं कंपनी से, हुड भी ओरिजिनल है, और साथ ही टायर्स देखे तो कंडीशन एकदम। 4-व्हील ड्राइव है ये? हाँ, 4-व्हील ड्राइव में आता है ना ये? हाँ, 4-व्हील ड्राइव। ये लिखा भी होगा अगर ये देख सकते हैं 4-व्हील ड्राइव करके। इसके बाद देखेंगे महिंद्रा का B275 DI। सेम जो बताया आपने 35 बोलते हैं, 39 का आता है। इसका क्या है मॉडल वगैरह? 15 का मॉडल है। 15 मॉडल। हाँ जी। अच्छा, कितना HP हो गई है ये? वही 35 बोलते हैं, 39। ओनर कौन सा है? मॉडल 15 का बताएं, 2015। नहीं, ओनर फर्स्ट ओनर। कितना चला होगा ये? समथिंग चला है 2,500 घंटा। 2,500 घंटा चला होगा। टायर्स वगैरह तो अभी देखना नहीं पड़ेगा? नहीं, अभी चलेगा। अच्छा, चलेगा 2,500 घंटा चला है। प्राइस क्या रखें इसका? इसका प्राइस अपन रखें समथिंग वही 270। 2,70,000 में छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे। अच्छा, बाकी तो पूरा ओके है? पूरा ओके है। इसके बाद देखेंगे महिंद्रा का सरपंच 595 DI। भैया ये 595 DI। हाँ जी। ये सरपंच है ना? टर्बो सरपंच। टर्बो सरपंच। कौन सी मॉडल होगी ये? है 2013 का। 2013 मॉडल। इसमें थोड़ा बहुत कलर फेड हो चुका है। इसको जैसे बोलेंगे कस्टमर तो कलर करा देते हैं, दे देंगे, हो जाता है ना ये? हाँ जी। अच्छा, कितने HP में बोले? ये 50 HP का। 50 HP में आता है। टायर्स वगैरह भी तो चलेंगे? हाँ। लगभग साइज क्या होगा इसका? टायर का साइज 14x28। और सामने? सामने वही 13 नंबर आता है। अच्छा, ये 6-16 करके रहता है क्या सामने का? अच्छा, इसमें दिया हुआ है। हाँ, 6-16 का साइज है ये। 6-16 साइज है। और ये ओनर कौन सा होगा भैया? फर्स्ट ओनर है। हाँ जी। क्या प्राइस रखे इसका? रखे 3 लाख रुपए। 3 लाख। कहाँ का होगा पासिंग? पासिंग ये दुरुक का है। 07। 07। इसका कंडीशन देख लीजिए, हुड वगैरह आप इसको पूरा कंप्लीट करके देंगे ना सीट? हाँ, पूरा कंप्लीट। नहीं, सारी रायपुर पासिंग है ये। अच्छा, 04। हाँ, 04 रायपुर पासिंग है, पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्या बोले प्राइस आप? 3 लाख रुपए। 3 लाख में? 3 लाख में बैठक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे स्वराज का है ये 735 HP। ये इसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है स्वराज ट्रैक्टरों में। अगर बात करें तो ये बहुत सेलिंग होता है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो इसका हमेशा मिलेगा ही।
और बहुत जल्दी सेलिंग भी होता है। ये कितने एच पी में आता होगा? ये 35 35 में ही आता है ना। मॉडल कौन सा? ये 2004 का। चार का पासिंग तो 07 दुर्ग पासिंग। कितना चला होगा ये? चल गया करीब करीब 8000 घंटा। 8000 घंटा। क्या रखें इसका प्राइस? इसका 1,25,000 में छोड़ना है। 1,25,000 में छोड़ देंगे? छोड़ना एकदम रनिंग कंडीशन। एकदम रनिंग कंडीशन, सेल्फ स्टार्ट। इसका टायर का तो सेम रहता होगा? वही 616। 616 सामने 13-6-28 सेम रहता है ना इसका टायर? अभी चलेंगे कि कुछ काम है इसमें? अभी नहीं, अभी कोई काम नहीं है। सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है। सेल्फ स्टार्ट है, सादा स्टीयरिंग है नहीं? हाँ जी। इसके बाद न्यू हॉलैंड है ये, टर्बो सुपर। ये कौन सी मॉडल है? ये है 2009 की। 2009 मॉडल। ये कितने एचपी में आता है? 60 HP। 60 HP में आता है? अच्छा, क्या इसके टायर वगैरह सेम मिलेंगे कि चेंज होगा ये? नहीं, टायर चेंज है। इसका टायर चेंज होगा? नहीं, चेंज करके देंगे अगर लेना है। कस्टमर बोले इसका साइज अलग है टायर्स का? कितने साइज में आता होगा ये? 16-6-28 का। अच्छा, बस इसका साइज बड़ा है? हाँ, बड़ा बड़ा साइज का है। और इसका प्राइस क्या रखे? इसका अपन रखे टायर चेंज करके 3.5 लाख में देंगे। अच्छा, टायर चेंज करके 3.5 लाख में दे देंगे। अच्छा, और क्या ओनर वगैरह? ओनर फर्स्ट ओनर। ये पूरा हुड वगैरह पूरा कंप्लीट सीट वीट पूरा करके देंगे? पूरा कंप्लीट। अभी थोड़ा काम हम बाकी चल रहा है ना? काम चल रहा है इसका। अच्छा, इसके बाद है पावर ट्रैक का 434। ये कौन से मॉडल है? ये 2013 मॉडल। 2013 मॉडल। कितने एचपी में? 35 HP में। 35 HP में। ओनर कौन सा होगा? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर। कितना चला ये? ये चला है समथिंग 1600 घंटा। 1600 सीट? ये कितना चला है? बहुत चल गया होगा ये? बहुत चला है ये। फाइनेंस कंपनी गाड़ी थी ये। खींच के रखी हुई थी वहाँ। ये बैंक से खींचा है? हाँ, बैंक से खींची हुई गाड़ी। वहाँ 2 साल से खड़ी थी, यहाँ 2 साल हो गया। अच्छा, ये तो डीजल सेवर में आता होगा? डीजल सेवर में। इसका सेम टायर वायर तो सेम है? थोड़ा बहुत काम होगा अभी? हल्का फुल्का काम है। फूड वगैरह पूरा कम्प्लीट कर दिया, टायर जो यहाँ किए ना और टायर वायर चेंज कर दिए। अच्छा, इसका क्या प्राइस? इसका अपन रखे हैं समथिंग वही 180 में दे देंगे। 1,80,000 में छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। मतलब आपके पास 1,25,000 से स्टार्ट है। इसके बाद देखने वाले हैं न्यू हॉलैंड का दूसरा भैया। ये न्यू हॉलैंड 5500। कितने एचपी में आता होगा ये? 55 HP में। 55 HP। मॉडल कौन सा है? ये है 2011 का। 2011 मॉडल। हाँ जी। इसका थोड़ा बहुत काम होगा इसमें? नहीं, काम नहीं, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी। सेल्फ स्टार्ट है। पावर स्टीयरिंग है क्या? पावर स्टीयरिंग। ये सब वुड वगैरह लगा देंगे। इसका क्या रखें? 1,00,000 रुपए। 3 लाख में छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। न्यू में कितना आता होगा ये? न्यू में आती है करीब करीब 9 लाख। 9 लाख। और इसके बाद है ये सेम है न्यू हॉल ये भी वही रेट वही मॉडल है? सेम सेम वही मॉडल। रेट कितना छोड़ेंगे? वही 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख में छोड़ देंगे? 3 लाख छोड़ेंगे। इसका कंडीशन उससे बेटर है थोड़ा बहुत? फूड वगैरह ये सब कंप्लीट देंगे बोल रहे हैं। ये भी पावर स्टीयरिंग? पावर स्टीयरिंग। इसके बाद देख करके ये कौन से मॉडल है? ये है 2013। कस्टमर्स को चाहिए अभी तो जल्दी से कॉल कर सकते हैं। कितने एचपी में आता होगा ये? 32-42 HP। 42 HP। ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलता मिलने के लिए, अभी भी अवेलेबल है। और इसमें कहीं स्क्रैचेस नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत अब मॉडल तो पुराना हो गया है ना। कितने में छोड़ेंगे इसको भी? इसको दे देंगे अपन 2.5 लाख रुपये में। 2.5 लाख में छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। अच्छा, हुड वगैरह सब लगा के। कहाँ का ये पासिंग? ये अपना पासिंग है धमतरी 05। अच्छा, ओनर कौन सा होगा? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर है। अच्छा, हुड वगैरह पूरा लगा के छोड़ देंगे? पावर स्टीयरिंग में आता है? पावर नहीं, नहीं, सादा सादा आता होगा। अच्छा, इसके बाद एक पावर ट्रैक है। पावर ट्रैक है ये, देखते हैं ये कहाँ का है भैया? ये ओडी उड़ीसा पासिंग है। उड़ीसा पासिंग। सीजी कराने के लिए आरटीओ में दिया गया है। अच्छा, सीजी होके मिल जाएगा? सीजी होके है ना। कौन सी मॉडल में? ये है 2016। 2016 मॉडल। कितने एचपी में आता है ये? 50 HP। अच्छा, यूरो 50 है, डीजल सेवर प्लस में आता है। इसके कंडीशंस तो देखना नहीं पड़ेगा, कहीं से टचअप नहीं हुआ है। और हुड वगैरह पूरा लगा दोगे आप है ना? पूरा कंप्लीट। क्या रेट है इसका भी? इसको अपन फाइनल छोड़ देंगे 3.5 लाख रुपए में। कितना होगा रनिंग उसका? इसका रनिंग है मुश्किल से 1900 कुछ घंटा बता रहा है। और ये कितना चला था? इसका चल रहा है 2200 कुछ घंटा चला है। 2200 घंटा। उसको छोड़ेंगे कितना बोले आप? 3.5 लाख। 3.5 लाख में छोड़ देंगे इसको? 2.5 लाख बताए। बॉडी वॉडी तो चारों टायर नए हैं है ना? 45 HP में आता है इंटरनेट पावर प्लस ये भी। और कौन सा ओनर है? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर है। अच्छा, क्या छोड़ेंगे कितने में? ये अपन छोड़ देंगे 2,80,000। 2,80,000। कितना चला होगा ये? चला है करीब
2600 घंटा 2600। सामने कंडीशंस भी देख लेते हैं, मगर टायर नए डले हैं पूरे, चारों टायर नए डले, चारों टायर नए हैं। अच्छा, और अभी कोई है कनेक्शन? और बस इतनी ही अभी। अच्छा, अभी है कनेक्शन और बाहर खड़ी गाड़ी। अच्छा, मतलब 20-22 गाड़ी बाहर खड़ी है। अच्छा, 20-22 गाड़ी अभी भी बाहर है। इसका बहुत डिमांड है, भयंकर डिमांड है इसका, बहुत डिमांड है इसका। जॉन डियर में सबसे ज्यादा सेलिंग में यही है। और और क्या कुछ बोलना चाहेंगे और कस्टमर्स को? क्या बोलना चाहे, स्वागत है जो लेना चाहे कस्टमर, उनका स्वागत है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। यहाँ का दो वीडियो, ये सेकंड वीडियो था, फर्स्ट वीडियो आपको अपलोड होके मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी ट्रैक्टर अवेलेबल है, और यहाँ जो देखे उसके बाद भी और 22 ट्रैक्टर अवेलेबल है बोल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाबा ट्रैक्टर्स करके शॉप का नाम है, यहाँ का वीडियो कई वीडियो बन गए तो देख लेना। तो साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए मेरा, चित्राम 1234। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।